लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग टर्म में वेरिएबल और फिक्स दोनों ही जितने भी फैक्टर हैं सभी के सभी वेरिएबल ही रहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम मशीनरीज भी नहीं लगा सकते हैं, बिल्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट। तो सिंस ऑल द फैक्टर्स टेंड्स टू बिकम वेरिएबल इन लॉन्ग रन, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की अलग अलग कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं रह जाती, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट इन द लॉन्ग टर्म। तो जो शेप है वो लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व की रिमेन द सेम एज शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व। इट फर्स्ट इंक्रीज द एट डिमिनिशिंग रेट, सब्सिक्वेंटली इट टेंड्स टू इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट, एंड द फाइनली इट राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले ये कम दर से बढ़ती है, उसके बाद कॉन्स्टेंट यानी कि बराबर, और उसके बाद तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। जो शेप है, द फर्स्ट इंक्रीज इज एट डिमिनिशिंग रेट, सब्सिक्वेंटली इट टेंड्स टू इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट, एंड फाइनली इट राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड पॉइंट इसका हम ये समझते हैं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों होता है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए वाई एल टी सी सी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो व्हेन वी प्रोड्यूस जीरो। टोटल पीरियड जो लॉन्ग पीरियड है, टोटल कॉस्ट का स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज इन द लॉन्ग पीरियड ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज वेरी विद आउटपुट, सो दैट व्हेन आउटपुट इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो। वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ जीरो ही रहती है।